अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास सेकंड का तीसरे चैप्टर का दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसमें चीज़ें कैसे बदली। मैं पुराने ज़माने के लोग के बारे में तो स्टडी कर चुके हैं कि पुराने ज़माने के लोग रहा किस तरह करते थे। अब स्टडी करने जा रहे हैं जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह से करते थे, सही है, और आज चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो पुराने ज़माने के लोग चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह से करते थे, आज ये स्टडी करने जा रहे हैं। क्या स्टडी करने जा रहे हैं? पुराने ज़माने के लोग। पुराने ज़माने के लोग चीज़ों का इस्तेमाल या आँख का इस्तेमाल, ठीक है, चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करते थे उसके बारे में लिखने जा रहे हैं। सवाल बन गया ये तो एक, ठीक है, तो सवाल ही समझें, ठीक है। उसके बाद इसके पॉइंट लिख लेंगे हम, नंबर वन पॉइंट, नंबर टू एंड नंबर थ्री एंड नंबर फोर। सो पेज नंबर 28 ओपन करें तमाम बच्चे, वेरी गुड। फिंगर रखें। आजकल सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने जाते हैं। अंधेरे को दूर करने के लिए बिजली के बल्ब जलाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आजकल सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं? गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और अंधेरे को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिजली का इस्तेमाल करने से, बल्ब का इस्तेमाल करने से आपका अंधेरा दूर हो जाता है और हर तरफ रोशनी छा जाती है। और इसके अलावा सर्दी होती है तो हम जैकेटें पहनते हैं और गर्म गर्म कपड़े, स्वेटर वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें पहनते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जब सर्दियों का मौसम आता था, सर्दियां पड़ती थी, तो सर्दियों से बचने के लिए और अंधेरे को दूर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया करते थे? तो आपके जहन में तो सर्दी से बचने के लिए एक चीज़ आ रही होगी, आग, ठीक है। सर्दियां होती हैं तो आपके घर वाले भी, आपके वालिद साहब, आपके भाई भी गली के कोने के ऊपर बैठ के, बहुत सारे दोस्त बैठ के आग वगैरह जला कर जो है वो बाहर बैठ जाते हैं गली में और हाथ वगैरह पांव वगैरह सेक रहे होते हैं। कब? सर्दियों में। तो आग जो है आपके जहन में आ रही होगी। पुराने ज़माने के लोग क्या इस्तेमाल करते थे वो देख लेते हैं। चले फिंगर रखें। पुराने ज़माने में ना बिजली थी जिससे अंधेरा दूर हो सके और ना इतने गर्म कपड़े जिनसे सर्दी से बचा जाए। फिर लोग सर्दी से बचने और अंधेरा दूर करने के लिए क्या करते होंगे? आँख से बहुत मुश्किलें आसान कर दी और इसे मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा। प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में ना बिजली थी, ना कोई ऐसी चीज़ थी जिससे अंधेरे को दूर किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, जो आँख थी वो इनके बहुत सारे काम आने लगी। सपोज़ दैट आँख से ये अंधेरे को भी दूर कर सकते थे, आँख से ये रोशनी का भी काम ले सकते थे और आँख से इन्होंने सर्दी से बचने का भी काम लिया और आँख से इन्होंने खाना पकाने का भी काम लिया। तो प्यारे बच्चों, आँख ने इनके बहुत सारी मुश्किलों को आसान कर दिया और बहुत सारे काम इनके आँख से ही होने लगे। जब आँख से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा, तो प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में जब इनको फ़ायदा होने लगा तो आँख की इन्होंने पूजा करना शुरू कर दी। जो आँख की परिस्थिति का जो मज़हब है वो ऐसे ही डेवलप्ड हुआ। लोगों को पुराने ज़माने में जिस चीज़ से फ़ायदा होना शुरू हो गया तो उन्होंने उसको अपना खुदा मानना शुरू कर दिया। जब पुराने ज़माने में इन लोगों को आँख से ये फ़ायदा होना शुरू हुआ तो आँख को इन्होंने अपना खुदा मानना शुरू कर दिया कि भाई आँख हमारा खुदा है क्योंकि हमें इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है। सूरज से रोशनी प्रोवाइड होना शुरू हो गई, सूरज को खुदा मानना शुरू कर दिया। गाय से उनको फ़ायदा हासिल होना शुरू हो गया, गाय दूध देती है तो गाय को भी इन्होंने जो है वो अपना खुदा मानना शुरू कर दिया। जिस चीज़ से डरते, जिस चीज़ से इनको फ़ायदा हासिल होता, जिस चीज़ से इनको नुकसान पहुँचने का डर होता, उन तमाम के तमाम चीज़ों को इन्होंने खुदा मानना शुरू कर दिया। बहरहाल हमारे टॉपिक ये नहीं है, आग है। आग जो है वो किस तरह से इस्तेमाल की गई, यानी कि जो आग है, आग ने आपके बहुत सारे कामों को आसान
कर दिया पुराने ज़माने में। आज तो माचिस जलाओ, चूल्हा जलाओ, आग जल जाती है। सर्दियों से बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सर्दियों से बचने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे गरम गरम स्वेटर, गरम गरम कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट का इस्तेमाल करते हैं, सही है, गर्म पानी का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रोशनी से बचने के लिए, अंधेरे से बचने के लिए बल्ब का इस्तेमाल करते हैं ताकि पूरे घर में रोशनी हो जाए। लेकिन पुराने ज़माने के लोग चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करते थे इसके बारे में देखते हैं। अंधेरे से बचने के लिए आज जो हमने सीखा वो लिख रहे हैं, बचने के लिए, अंधेरे से बचने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? आग का इस्तेमाल करते थे। अंधेरे से बचने के लिए आग, इस्तेमाल करते थे, जिससे हर तरफ रोशनी हो जाया करती थी, जिससे हर तरफ रोशनी हो जाया करती थी। और इसके अलावा आँख का इस्तेमाल और क्यों जाता है? अंधेरे से बचने के लिए आँख का इस्तेमाल करते थे, जिससे हर तरफ रोशनी हो जाया करते थे। आग उनको सर्दी से बचाने में भी मदद देती थी। आग उनको सर्दी से बचाने में भी मदद देती थी। आग उनको सर्दी से बचाने में भी मदद देती थी। आग जो है वो रोशनी के लिए इस्तेमाल की जाती थी, आग उनको सर्दी से बचाने के लिए मदद देती थी, और आग उनको खाना पकाने में भी मदद देती थी। खाना पकाने में भी मदद देती थी। तो प्यारे बच्चों, आज क्या सीखा हमने कि आग जो है वो पुराने ज़माने में लोगों को क्या क्या मदद देती थी। आग जो है वो रोशनी के लिए मदद देती थी, कि रोशनी जो है वो अंधेरा, बिजली तो हुआ नहीं करती थी तो अंधेरा दूर करने के लिए रोशनी की मदद देती थी, और इसके अलावा सर्दी से बचाने के लिए उनको मदद देती थी। सर्दी पड़ती तो हाथ वगैरह सेकते, अगर कहीं जाना होता तो आग की लकड़ी उठाते और चलते बनते, उससे उनको रोशनी प्रोवाइड होती, और आग का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए भी किया करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? वेरी गुड। अब पेज नंबर 29 पे आपको एक तस्वीर बनानी है, एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी वन, सरगर्मी नंबर वन, क्या करना है? तसव्वुर कीजिए, यानी सोचिए ज़रा कि आप किसी ऐसी जगह हैं जहाँ चूल्हे का इंतज़ाम नहीं है, आप वहाँ खाना कैसे पकाएंगे? तस्वीर बनाइए। तसव्वुर कीजिए आप घूमने गए अपनी फैमिली वालों के साथ, कार में आप लोग गए थे, सही है, खाने वगैरह कुछ नहीं लेके गए, खाना लेके गए, अच्छा सही है, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह, गोश्त वगैरह, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप वहाँ पर रुके और आपके पास चूल्हा भी नहीं है, अब मैदानी इलाके में आप रुके जहाँ आपको मैदान वगैरह है, अब आपको भूख लग रही है, आप लोगों को खाना बनाना है, आपके पास चूल्हा नहीं है, तो आप खाना किस तरह से बनाएंगे? तस्वीर बनानी। आप किस तरह तस्वीर बनाएंगे? आप जो है वो एक चूल्हा बनाएंगे पहले ब्लॉक्स का, सही है, इस तरह से आप लोग एक ब्लॉक्स लेंगे, दूसरा ब्लॉक्स लेंगे और तीसरा ब्लॉक्स लेंगे, इस तरह से आपने उस ब्लॉक्स से जो है वो चूल्हा बना दिया, उसके ऊपर एक पतीली नुमा जो है वो शेप दे के जो है वो रखेंगे, सही है, आग जलाती हुई नज़र आ जाएंगे, इस तरह पे आप जो है वो इस तरह इस जगह पे खड़े हो जाएंगे, सही है,
इस जगह पे आप खड़े हो जाएंगे और इस जगह पे आपकी मामा खड़े हो जाएंगे, इस जगह पे आपके पापा खड़े हो जाएंगे, और ये तमाम के तमाम लोग काम कर रहे होंगे। इस तरह से आपको जो है वो डायग्राम बिल्ड करनी है, बनानी, मैक करनी है, बनानी है। तमाम बच्चों को समझ में आ गया ये डायग्राम कहाँ बनाएंगे आप? तमाम बच्चे यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है? तो वीडियो पॉज करो, जल्दी से डायग्राम बनाएं। वेरी गुड, डायग्राम बना लिया आप लोगों ने। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है वो काम बाद में करेंगे, पहले जल्दी से ये कॉपी करें। कॉपी में नेक्स्ट पेज के ऊपर आज की डेट डाल के, हेडिंग डालने के बाद ये वाली, और उसके बाद ये कॉपी करें, जल्दी से हेडिंग कॉपी करें। वेरी गुड, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, सही। इसके बाद प्यारे बच्चों एक्टिविटी नंबर टू जो कि आप करेंगे कॉपी में करेंगे ये, ठीक है? हेडिंग डालेंगे सरगर्मी दो। क्या हेडिंग डालेंगे? सरगर्मी नंबर, सरगर्मी दो, यानी सरगर्मी नंबर दो, एक्टिविटी नंबर टू। आपको ये एक्टिविटी करनी है कॉपी में। क्या करना है एक्टिविटी में? ऐसे खानों की फहरिस्त बनाइए जो बगैर पकाए भी खाए जा सकते हैं। तो आपके पास यहाँ साइड में जगह दी हुई है, सवाल लिख लेते हैं हम। ऐसे खानों की फहरिस्त बनाइए, ऐसे खानों की फहरिस्त बनाइए, ऐसे खानों की फहरिस्त बनाइए जो बगैर पकाए भी खाए जा सकते हैं, जो बगैर पकाए भी खाए जा सकते हैं। चले फहरिस्त बनाते हैं। प्यारे बच्चों आप सोचिए कि वो कौन कौन से खाने हैं जिनको बगैर पकाए हम जो है वो खा सकते हैं। पहली चीज़ गाजर। क्या गाजर को बगैर पकाए खा सकते हैं? कच्ची गाजर खाते हैं ना, इसे काट के धोई और दांतों से काट के खाने शुरू कर देते हैं, काट के खाने शुरू कर देते हैं। या फिर गाजर को कश किया, कद्दूकस से कश किया, और कश करने के बाद उसके ऊपर चीनी डाली, चीनी डालने के बाद चमचे से खा रहे हैं। तो प्यारी पहली चीज़ क्या हो गई जो कि आप बगैर पकाए खा सकते हैं? गाजर। गाजर के अलावा और कौन सी चीज़ खा सकते हैं? खीरा। क्या खीरा खा सकते हैं? खीरा बिल्कुल खा सकते हैं। खीरे के आप बिल्कुल छुरी से पीसेस करें, छोटे छोटे से, बिल्कुल गोल शेप में। अब खाने के साथ सलाद वगैरह में रखे जाते हैं, तो सलाद लिख लेते हैं हम। सलाद में प्याज भी आ जाती है, टमाटर भी आ जाता है, तमाम चीज़ें आ जाती है। सलाद भी आप बगैर पकाए खा सकते हैं। खीरा, क्या खीरे को खा सकते हैं? खीरे के एक पीस, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, आठवां, ऐसे बहुत सारे पीस कर लें आप लोग। जब पीस करेंगे तो क्या वो पीस कच्चे खा सकते हैं आप? खीरे के खा सकते हैं। तो खीरा भी जो है वो कच्चा खाया जा सकता है। खीरे के अलावा और कौन सी चीज़ें जो कि कच्ची कच्ची खाई जा सकती है? टमाटर। क्या टमाटर कच्चे खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। तो टमाटर लिख लें। टमाटर के अलावा और कौन सी चीज़ें जो कि आप कच्ची खा सकते हैं? तो टमाटर के अलावा और कौन सी चीज़ है? प्याज। प्याज होती है ना, चावल के साथ खा रहे होते हैं जी, धोते हैं, धोने के बाद प्याज को हम कच्चा खा लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं। पांच नाम मैंने आपको लिखवा दिए, छठा नाम, सातवां नाम, आठवां नाम, नवा और दसवां। ये बाकी ये पांच नाम आप तमाम के तमाम बच्चे खुद से लिखेंगे, ठीक है? तो ये पांच नाम कॉपी करें, सवाल कॉपी करें, पांच नाम कॉपी करें, और इसके बाद बाकी ये पांच नाम आप यहाँ पर लिख लें। जल्दी से करें तमाम बच्चे काम, और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए, कॉपी करिए जल्दी से, और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।